नमस्कार, कक्कू की किचन में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं दिल्ली में शिप्रा जी के घर पे, जो कि बहुत ही अच्छी शेफ है। तो आज हम इनसे कुछ टिप्स लेते हैं जिससे हम भी काफ़ी अच्छी रेसिपी बना सके। आइए शिप्रा जी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल ऑफ कक्कू की किचन। आज मैं आप सबको मेथी की बाटी सिखाने जा रही हूँ, तो आइए आप सबके साथ ट्राई करते हैं मेथी की बाटी। हाँ, तो शिप्रा जी, आप क्या राजस्थानी मेथी की बाटी बना रही हैं? हाँ जी, और जैसा कि इसका नाम है मेथी की बाटी, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके लिए चाहिए वो है मेथी। तो आप देख सकते हो मैंने इसमें कुछ मेथी की सिर्फ पत्तियाँ तोड़ के उसको धीरे धीरे चॉप कर दिया है। थोड़ा सा इसमें फ्लेवर के लिए मैंने इसमें धनिया डाला है ताकि इसकी खुशबू और अच्छी बनी रहे। कुछ जो हरी मिर्ची घर पर लाल हो जाती है वो भी हम इसके साथ में चॉप कर लेंगे ताकि ये थोड़ी सी राजस्थानी रंग के अनुसार स्पाइसी बने। अच्छा, तो ये मसालों में और क्या क्या लिया है? राजस्थानी रंग में सारे हमको डिशेस में चाहिए खड़े मसाले, तो हमें चाहिए इसके साथ में थोड़ी सौंफ, थोड़ा सूखा धनिया, अजवाइन, गरम मसाला और बाकी सारे पिसे हुए मसाले। ये मैंने थोड़ा आटा लिया है, इसमें हम थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। तो ये आटा कितना होगा? ये मेरे ख्याल से मैंने 4 मेजरिंग कप आटा लिया है इसके अंदर, जो 5 से 10 लोगों को बहुत इजीली सर्व कर देगा। और इसके लिए आटे को बाइंड करने के लिए और इसके फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए मैंने थोड़े से मटर, जो फ्रेश वेजिटेबल से मैंने निकाल के बॉईल करे हैं, जिसको हम थोड़ी देर में फ्राई करेंगे, और साथ में मैंने लिए हैं थोड़े से बॉइल्ड आलू। जैसे कि आप देख रहे हैं ये अजवाइन है, अजवाइन को मैं एसेटस इसमें आटे में थोड़ा सा डाल देती हूँ ताकि इससे स्वाद बढ़ेगा। और जो मैंने साबुत धनिया और सौंफ लिए हुए हैं मैं इसको थोड़ा सा मिक्सर में ग्राइंड कर लूँगी ताकि ये पूरा भी पाउडर ना बने और पूरा साबुत भी ना रहे। थोड़ा मोटा मोटा रखना होगा। हाँ जी, थोड़ा मोटा मोटा। अच्छा, ये अजवाइन पूरी साबुत ही डाली है, क्रश की है आपने? नहीं, मैंने इसको साबुत डाली है। ये बहुत छोटी है साइज में, तो ये बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगेगी। और ये थोड़ा सा अजवाइन को अगर हम क्रश कर लेंगे तो शायद थोड़ा कड़वापन दे सकती है, इसलिए मैंने इसको साबुत डाली है। ये मेरा जीरा, सौंफ और धनिया है जिसको मैं थोड़ा सा ग्राइंड कर रही हूँ। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है, तो इसमें मैं सबसे पहले शुरू करूँगी हींग से। तो इसमें खुशबू के लिए सबसे पहले मैं हींग डालूंगी। शिप्रा जी, हींग कितना लेना होगा? ये आपके स्वाद के हिसाब से आप ले सकते हो। वैसे 1/2 टीस्पून इसमें हींग बहुत होगा, क्योंकि इसमें मसालों का सारा काम है, तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा ज्यादा फ्लेवर आ जाएगा जिससे हम थोड़ा सा ज्यादा आप ले उसको। अब इसमें मैं थोड़ा सा मसाला मेथी और धनिया ऐड करें। मेथी के साथ ही हम इसमें मटर डाल देंगे। ये मटर बॉईल किया आपने? मैंने थोड़ा सा इसकी स्टिफनेस, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है तो मटर थोड़े से फ्रीजर में रखने की वजह से रिजिड हो जाते हैं, स्टिफ हो जाते हैं, तो थोड़े ये सॉफ्ट रहे खाने वाने के टाइम, ये सॉफ्ट लगे, इसलिए मैंने इनको पहले बहुत ही हल्के से ल्यूकोम वाटर में सॉफ्ट कर दिया। फिर क्या करना होगा हमें? इसको थोड़ी सी देर मसाले को अच्छे से भुनना है। इसमें इसको गलाने से ज़्यादा इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है। जब तक ये भुनता है, मीनवाइल ये जो मसाला है सौंफ और धनिया का मिक्सचर, ये मैं, अच्छा ये थोड़ा मोटा मोटा रखा है, दरदरा सा, थोड़ा सा मोटा रखा, देखिए आप, इसको मैं इसको भी आटे में इस तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपको लगता है ये आटे में ज़्यादा है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ज़्यादा यूज़ ना करें। जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़े से हमारे मटर बन चुके हैं, हमने इसमें मेथी मिला दी है। थोड़ी सी इसके स्वाद के लिए मैं साबुत मेथी भी ऐड कर देती हूँ ताकि वो पता चले कि हमने इसमें मेथी ऐड की है। तो ये साबुत मेथी किस लिए डाली है आपने? ताकि इसमें हमने जैसे मेथी सारी पीस ली है, थोड़ी साबुत मेथी एक अलग सा फ्लेवर देगी, साबुत आएगी तो पता भी चलेगा कि ये एक्चुअली मेथी की बाटी है। अब मसालों में जैसे कि मैंने इसमें सौंफ और धनिया ऐड किया है, मैं नहीं चाहती कि ये मसाला पके, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में मसाले के नहीं पकाया। ये मसाला जैसे ही हमें लगता है थोड़ा सा भुन गया है, जब इसमें मैं साबुत आलू ऐड करती हूँ।
तो आलू को फिर मैश इसमें करेंगी? हाँ जी, मैं तेल को इसमें थोड़ा सा भूनना चाहती हूँ आलू को भी, ताकि वो गलने की जगह थोड़ा सा पहले सिक जाए, क्योंकि हमें जब तक ये सिकेगा नहीं हम इसको आटे में मल नहीं पाएंगे और ये सारा मसाला आटे में मला जाएगा। जब तक ये सिक रहा है मैंने थोड़ा सा नमक इस मसाले में डालना है, इस मसाले के साथ, और थोड़ा सा नमक आटे में डाल दिया, क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा मिर्ची नहीं डाल सकती, लाल मिर्ची को हमने इसमें पीसी हुई है, तो हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लेंगे। गरम मसाला कितना लिया है आपने? मैंने इसमें एक टीस्पून गरम मसाला लिया है और थोड़ी सी हल्दी, जैसे कि आप देख सकते हैं, वो आप जितना भी मसाला बनाएं, अगर आप दो लोगों के मैच बना रहे हैं तो इससे कम मसाले में भी काम चल जाएगा। ये मसाला, ये बाटी पूरी 8 से 10 लोगों को सर्व कर सकती है। और मेथी का फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू भी देखो आने लगी है इसमें, और इसका सारा काम जो है वो अच्छे से भुनने का है मसाले का। अगर ये भुना गया तो जितना अच्छे से भुनने में आएगा उसका स्वाद बाटी में उतना ही आएगा। शिप्रा जी, देखने में कितना अच्छा लग रहा है, तो खाने में तो कितना टेस्टी होगा। बहुत स्वाद होता है, राजस्थान की एक स्पेशलिटी है ये। अब जैसे कि आप देख रहे हैं ये मसाला ठंडा हो गया है, तो हम धीरे धीरे इन आलुओं को तोड़ लेंगे और इस पूरे मसाले को खड़ा। शिप्रा जी, बिल्कुल ठंडा करना है क्या हमें? हाँ, क्योंकि ये गर्म है और आपको उसको आटे में लगाना है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा ठंडा ही होना चाहिए। अब आप देख रहे हैं कि मैं आलू के बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर रही हूँ, आलू हमेशा खड़ा खड़ा रखना है, क्योंकि ये फ्राई भी किया है आपने, और बहुत ज़्यादा मैश कर देंगे तो आलू भी है इसमें वो पता नहीं चलेगा। तो इसमें मैंने पूरा आलू मसाला मैश कर लिया है। तो ये आटे का डो बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसे आलू मोटा रहेगा तो थोड़ा? नहीं नहीं, ये हमें ऐसा ही फॉर्म में चाहिए, बिकॉज इसमें हमें इसको बेलना नहीं है आलू के पराठे की जैसे, क्योंकि ये बाटी एक बॉल की शेप में बनने वाली है, इसलिए ये प्रॉब्लम कम करेगा उस केस में। बस बाइंडिंग इसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो उस टाइम बनते टाइम खुले नहीं। अब आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा ना मसाला है और ये बिल्कुल एक सिमेट्री में बन गया है, कम्प्लीटली एक मसाला रेडी हो गया है इसका, और दिखने में भी अच्छा दिख रहा है। अगर इसको आप थोड़ा सा ड्राई बनाते हैं तो इसके हम आलू के पराठे भी बना सकते हैं, आलू मेथी के पराठे। देखिए शिप्रा जी ने क्या टेस्टी, क्या कलरफुल इसका वो बनाया है इस मसाला। आप धीरे धीरे इस आटे को मिक्स करके मैं ये मसाला इसमें डालूंगी। ये देखिए सारा मसाला मैंने इसमें डाल दिया, और मैं अब इस आटे की। तो ये 4 कटोरी आटे के लिए आपने कितने आलू लिए? मैंने इसमें 5 से 6 आलू लिए हैं। अगर आलू छोटे हैं तो ज़्यादा ले लीजिए, बड़े हैं तो और कम ले लीजिए। और मेरे हिसाब से इस आटे को लगाने के लिए आपको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास में मलाई है तो आप इसमें मलाई डालिए, क्योंकि इसे बेसिकली मलाई मेथी की बाटी कहते हैं। तो दूध की मलाई या दही की मलाई? इसमें आपको दूध की मलाई डालनी है अगर आपके पास में स्टोर होती, क्योंकि अभी मेरे पास मलाई स्टोर नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। तो जैसे शिप्रा जी बता रही हैं, आप दूध की मलाई या दही की मलाई जो भी हो वो ऐड कर सकते हैं इसमें। इससे आपकी बाटी जो है वो और भी सॉफ्ट हो जाने वाली है। और आप देख रहे हो मैं इसकी कंसिस्टेंसी को बढ़ाने के लिए पहले मैं सारी आटे को एक साथ बाइंड कर रही हूँ। अब आप देख रहे हैं ये मेरा बाइंड हो गया और एक फॉर्मेशन में आने लग गया, तो इसका मतलब ये बनने लग गया है, आटा रेडी है। ये आटा रेडी हो गया। अगर आप बहुत स्पाइसी खाते हैं तो आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा और मेथी आलू डाल सकते हैं। तो आटा वैसे कैसा लगाना होगा हमें, टाइट या? ये आपको बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं पर बहुत लूज आटा भी नहीं लगाना है। अभी ये थोड़ी देर में पता चलेगा, मतलब आपके हाथ से बाटी इजीली फॉर्म हो जाए। मेरे को शायद इसके लिए बहुत थोड़े से पानी की रिक्वायरमेंट होगी, बिल्कुल नाप के इसमें पानी लेना, ताकि आपका पानी अगर ज़्यादा हो गया और ये लूज़ हो गया है
तो फिर आपको ये बाटी प्रॉब्लम करने लगेगी, क्योंकि इसमें हमने मीठा सोडा डाला है, तो मीठा सोडा चीज़ को फुलाता है और वो बाइंड होने में प्रॉब्लम करेगा। अब आप देख सकते हैं ये आटा रेडी हो गया है और इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, ना बहुत ज़्यादा ढीला है ना बहुत ज़्यादा टाइट है। और इसको अब मैं सारे आटे को एक बॉल शेप में बना दूंगी जिससे हमारी बाटी रेडी हो जाए। इसे बहुत बड़ा भी नहीं रखेंगे साइज़ में, बहुत छोटा भी नहीं, ताकि ये बहुत अच्छे से पहले बॉयल हो जाएगी ताकि हमारा ये बाटी का फॉर्मेशन रहे। मुझे इस टाइप की बाटी चाहिए, साइज़ इतना ही बनाना है। आप चाहो तो इसको छोटा भी बना सकते हो, पर इससे बड़ा आप शेप लेंगे तो फिर इसको बॉईल होने में पकने में बहुत देर लगेगी। तो जितना नॉर्मल शेप होगा उतना ठीक होगा बाटी के लिए। अब इस तरह से हम सारे आटे की बाटी रेडी कर लेंगे। आप ये देख रहे हैं मैंने एक फॉर्मेशन में सारी बाटी रेडी कर लिया और उधर हमारा पानी भी रेडी हो गया बॉईल होना। तो अब इसमें ये बाटियां बॉईल करेंगे। हाँ जी, मैं इसमें एक एक बाटी बॉईल कर लूंगी ताकि अंदर से मसाला पूरा पक जाए। तो कितना टाइम लगेगा ये बॉईल होने में? एक बाटी मेरे हिसाब से 10 से 15 मिनट में बॉईल हो जाएगी अच्छे से, पर फिर भी आप इसको अगर चक्कू से बीच बीच में चेक करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बाटी अब फ्राई करने के लिए रेडी हो चुकी है। अच्छा, ये ढकना है मैं या खुले में ही करना है? इसको मैं खुले में ही उबालूंगी ताकि मुझे बीच बीच में इसको चेक करना रहे, और ढकने से इसमें वेपर आ जाएगी तो वो इसको और ज्यादा गलत तरीके से बॉईल कर देगी। तो देखिए, हमें खुलाई में बॉईल करना है, इसे ढकना नहीं है। अब ये देखिए, जैसे जैसे बाटी बॉईल होती जा रही है वैसे वैसे ये फूल के ऊपर आ गई है। और अगर आप देखेंगे तो फॉर्मेशन जो है बाटी की, आटा बिल्कुल खुल नहीं रहा है, पूरा बाइंड आटा है और शेप पूरी इंटैक्ट है इसकी। और जितने जितने फूल के और हल्की होती जाएगी इसका मतलब है ये पूरी फ्राई होने के लिए तैयार हो चुकी है। तो इसमें कितना टाइम लगा? अभी तो ये क्योंकि पानी 5 मिनट पहले से बॉइलिंग पे लगा दिया था, तो मेरे ख्याल से 10 मिनट मैक्सिमम में ये तैयार हो जाएंगी और इसको ठंडा करने के बाद ही हम फ्राई कर पाएंगे। थोड़ी सी देर इसको ठंडा करेंगे और बस तलने के बाद डायरेक्ट नहीं डालना निकाल के, क्योंकि ये पानी से सीधे फ्राई होने जाएगी तो ये शायद थोड़ा सा हजार्डस भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ी देर इसको ठंडा करेंगे और उसके बाद हम ठंडी हुई बाटी को फ्राई करने के लिए डालेंगे। अब आप देखिए, ये बाटी पूरी तरीके से फूल के ऊपर आ चुकी है और पूरी तरह से गल चुकी है। इट मीन्स दिस इज रेडी टू फ्राई। जैसे आपने गट्टे सिखाए थे आपकी किचन में, तो आपको पता है जैसे गट्टे उबालते हैं अगर हम उन्हें फ्राई करें उससे पहले वो कैसे पक के रेडी होते हैं। ये देखिए, चक्कू भी बहुत इजीली जा रहा है, बाटी भी हमारी सॉफ्ट बनी है, आप बस इसको तलने का इंतजार है। हाँ, तो मैं इस तरह से इसको एक एक करके इसका पानी पूरा निकाल के इसको ठंडा होने के लिए। काफी अच्छे से फूल भी गई है बाटियाँ। हाँ, क्योंकि हमने इसमें मीठा सोडा डाला था, हींग है इसमें मसाले में, तो वो सब अपना इफेक्ट लेकर आ रहे हैं इसको सॉफ्ट बनाने में और फूलने में मदद कर रहे हैं। एक एक करके आप ये जैसे सारी बाटियां निकाल लेंगी और फिर ये पानी भी इसका बाहर निकल जाएगा। हाँ, फ्राई करने में। हाँ जी, मेरा मेन पर्पस जाली में निकालने का इसको यही है कि इसका सारा एक्स्ट्रा पानी मॉइस्चर हम निकाल दें ताकि ये फ्राई करने में बहुत ईजी हो जाए। ये क्या घी में फ्राई करेंगे शिप्रा जी? ये देखिए, हाँ मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि ये ऑयल नहीं है, ये टोटल घी है, क्योंकि राजस्थानी खाना पूरा घी में बनता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल घी में फ्राई करेंगे ताकि इसके बाद ये डायरेक्ट रेडी टू सर्व होगी। मैं एक एक करके बाटी बहुत ही ध्यान से इसमें डाल रही हूँ। गैस हमको मीडियम फ्लेम पे रखनी होगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बाटी पकने वाली है इसलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। फ्राई करने में कितना टाइम लग जाएगा? इसको मेरे हिसाब से फ्राई डीप फ्राई करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। अगर 4-4, 5-5 बाटी फ्राई कर सकते हैं एक बार में, आप 4 से 5 बाटी फ्राई कर सकते हैं, पर उसमें बीच में आपको उसको हिलाना पड़ेगा ताकि ये बाटी नीचे चिपके ले।
ये बाटियाँ अंदर से सॉफ्ट होगी और बाहर से क्रिस्पी होगी। हाँ, ये बिल्कुल बाहर से क्रिस्पी होने वाली है क्योंकि ये लेयर फ्राई हो रही है, पर ये अंदर से क्योंकि इसमें बहुत सारा आलू का मसाला है, इसमें हमने मोइन डाला है, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट बनने वाली है अंदर से। और इसका जो तरीका होगा सर्व करने का, वो इसको और सॉफ्टर वे में कन्वर्ट कर देगा। क्या ये बनके तैयार हो गई? अब देखिए ये ऊपर से कितनी सिक के तैयार हो गई है। अब आपको याद करें तो क्या आटे की शेप थी और क्या कलर था, और अब उसके बाद अब इस बाटी को देखिए किस तरह से क्रिस्प और टेस्टी दिख रही है। अच्छा, ये थोड़ा जैसे ये फटने भी लगे, इससे भी हो रहा है कि ये बन गई है। हाँ, थोड़ा सा फट जाएगी, वो उबलने भी फट रही है, और इससे अंदर तक अगर ये फट भी जाती है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि हम घी में फ्राई कर रहे हैं तो घी अंदर तक जा सकता है, तो आपको उसकी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हमारे बहुत सारा ऑयल चला गया है। घी से तो और टेस्टी हो जाएगी, टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। और ये देखिए कितने आराम से, और जहाँ ये पहले हींग की वजह से कुछ झाग सा आ रहा था घी के अंदर, अब देखिए बिल्कुल सब सिकने के बाद में ये बिल्कुल ठीक हो गई है। कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है इसका, देखने में भी कितनी अच्छी लग रही है। और इस तरह से हमारी ये मेथी की बाटी तैयार है। अब मैं आपको इसको प्रेजेंट करने का तरीका बताती हूँ। अब ये देखिए आप इस बाटी को, ये बाटी हमारी रेडी है, और आप इसको खोल के देखो कितनी सॉफ्ट बनी है। वाह शिप्रा जी, कितनी सॉफ्ट बनी है ये, और बाहर से काफ़ी क्रिस्पी भी लग रही है, और इसको खाने का उतना ही मज़ा आएगा। और सर्दियों में की तो ये स्पेशल टेस्टी डिश बन सकती है अगर आप इसको स्नैक्स में लेना चाहते हैं। ये देखिए इसका एक एक परत खुली हुई है, और इसके लिए सर्व करने के लिए मैंने दही, ग्रीन चटनी, केचप सब रेडी कर रखा है। आप चाहो तो इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं, और इसके साथ इसका जायका और बढ़ जाएगा। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कैसी बनी आपकी मेथी की बाटी। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मेरा तो खाने का मन कर रहा है शुप्रा जी, बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में। आप ज़रूर इसको खा के देखो और मुझे भी बताओ कि ये फाइनली कैसी बनी है स्वाद में।